Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Good morning. आज हमारा लास्ट डे है आई लव बेड में. जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा है. सोचा था 3 दिन काफ़ी है, लेकिन नहीं, एक और दिन मिल गया तो है ना, मतलब घर में ही हम लोग थोड़ा एंजॉय कर सकते थे, क्योंकि घर और घर का आसपास का एरिया है ना बहुत सुंदर है. तो सबको एक इच्छा था एक और दिन बैठकर थोड़ा रिलैक्स करने का, लेकिन वही 3 नाइट के लिए बुक किया था. हाँ, लेकिन जितना दिन है हम लोग बहुत एंजॉय किया. शाम को जब घर आते तो है ना, शाम को जब घर आने के बाद हम लोग बहुत एंजॉय करते, लेकिन होता है ना बाहर बैठकर गप्पे करना, वो मौका नहीं हो पाया. लेकिन रात भर मतलब 1-2 बजे तक बैठकर गेम खेलना, बातें करना, वो सब डेली होते थे. और क्या है, संतोष गया मेरे को लेकर वो के लिए. बाकी सब लोग सो रहे हैं, अभी टाइम है, मतलब 10 बजे तक ही टैक्सी आएगा. माइलो भी बहुत एंजॉय किया, माइलो का ही आवाज़ है शायद. और इस जिधर हम लोग रह रहे हैं ना, सब घर में डॉग है, सब घर में. तो 10 बजे तक टैक्सी आएगा, तब तक रेडी होने हैं. बाहर का व्यू दिखाते हैं. तो बाहर देखो, ये बात कर रहा है ना, ये माइलो ही है. देखो ये डॉग को देखो बात कर रहा है, उधर से आ रहे हैं माइलो. महिलाओं को है ना ऐसे बड़े लोग, बड़े डॉग को देखकर है ना डर लगता है, डर लगता है या हमको प्रोटेक्ट. किधर है देखो, महिला उधर है, देखो महिला उधर है. हेलो, गुड मॉर्निंग. महिला, ओ महिला, महिला देखा नहीं माइलो, एडा इंग वाटर देखा नहीं अभी तक माइलो. इधर घर है ना सेल के लिए भी है, अच्छा है ऐसा घर ले लो और वेकेशन होम बना दो. बीच में आकर रेडी हो जाए. सब लोग सो रहे हैं, बच्चे लोग को एक एक कदम उठाते हैं. जल्दी जल्दी रूम डोर भी दिखाते हैं. एक रूम है डिसेंट साइज का है, उधर एक वार्डरोब है देख रहे हैं ना, और ये अटैच्ड बाथरूम. बाथरूम डिसेंट साइज का है, उतना पोश नहीं है लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन है. इधर देखो बेडरूम है, 2 बेड है जो मुझसे सो रहे हैं. ये बच्चे लोग के लिए ये रूम देखा, एक इस रूम में, हर रूम में टीवी है, इस रूम में भी टीवी है. तुम से नहीं गटो डा. इधर भी वार्डरोब है, और इधर भी रूम है, इस रूम में भी टीवी है. खुशी और मालो सो रही है. इधर से भी व्यू दिखाते हैं, देखा कितना सुंदर व्यू है. और ये धनिया और राजेश का रूम है, ये बाथरूम सेम साइज का बाथरूम. इधर से नीचे चलते हैं, बाहर जाने के लिए एक डोर, एक मिरर. इधर भी एक बाथरूम, शावर भी है ऐसा. और इधर शुरैक, ये क्या है, हाँ ये सब रखने के लिए. और इधर से एंट्री, बॉयलर रूम, लिविंग रूम. काफ़ी अच्छा सा इसका लिविंग रूम है, देखा ना बहुत क्यूट सा घर है. किचन, किचन तो आप लोग ऑलरेडी देख चुका होगा, किचन में सब कुछ है. देखो जो कुकिंग करना है ना उनके लिए सब कुछ रखा है इधर, सब बर्तन है. और वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, फ्रिज, और सबसे बेस्ट है
व्यू इधर बैठने के लिए, वो किसी और का घर। खुशी भी रेडी होकर, ये दोनों रेडी हो गया और कॉफी बना रहे और मेरे लिए ब्रेड जैम बटर। इधर आने के बाद ये काम संतोष का है, मेरा छुट्टी है। सब लोग इधर रेडी हो गया, अभी 10 मिनट के अंदर हम लोग को निकलना है। हमारा टैक्सी इधर आ गया, देखो टैक्सी भी इधर आ गया। गुड मॉर्निंग। Good morning. This is Sherman from Go Taxi. We've been ferrying this lovely family around all weekend. If you are coming to the Isle of Wight, please look us up. Download the app and you can pre-book your trips to anywhere you want to go on the island. We're very reasonable and very reliable. So that I can vouch for it. Hum logon ne 3 days we spent in the Isle of Ireland, and all 3 days, right from the day 1 to now, is dropping us into the ride now, and it's been fantastic. And we have downloaded the Go Taxi app, and using the Go Taxi we book it. And the good thing is, because we are 7 of us and we have a dog as well, and it's been so friendly, and the entire crew, I mean Sherman has been outstanding. We have been like, he's taking us along the island for last 3 days, and I strongly recommend, agar aap mein se koi bhi aa raha hai yahan pe Isle of Wight mein, so please download Go Taxi app aur contact kijiye, aur inke saath mein aapko acha lagega. Like a family, we really enjoyed. So, Sherman, thank you very much. You're welcome. Very kind host. You're welcome. You're welcome. And please come and see us soon on the Isle of Wight. Yes. Curlew Cottage. Indian mom in London in Curlew Cottage. रहने की ख्वाहिश रखते हुए बाहर निकल रही है, ठीक है। एक दिन चाबी लॉक किया। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे ना उनको देखकर माइक का याद आता है, क्योंकि माइक जैसे बातें करते हैं ना, एक्सैक्टली वैसे ही बात करते हैं, बहुत फ्रेंडली है। हाँ, अभी हम लोग राइट पहुंच गया। पहुँच कर बैग्स रखा और सिर्फ मैं जैकेट चेंज किया, बाकी सब लोग वही जैकेट में। अभी जा रहे मूवी देखने के लिए, गॉड लाइफ। सुना है बहुत अच्छा मूवी है, और हमारे उधर का ऑडियन में है ना मलयालम मूवीज नहीं आते हैं, हिंदी मूवी आता है। मलयालम मूवी है ना बहुत साल के बाद आ रहा है इधर, तो 3:30 का टिकट था तो हम लोगों ने बुक किया है। तुमसे इधर हेयर कट कर रहे हैं, देखा हेयर कट कर रहे हैं, तो उसका हेयर कट होने के बाद हम लोग जाएंगे। खुशी और महिला घर पर जिनसे अपना हेयर कट कर रहा है। संतोष कुमार, चलो हम लोग फिर टिकट लेते हैं।
धन्य और राजीव अभी तक नहीं पहुंचा होगा, हम लोग कितने 2:30 तक पहुंच गए ना, 2:30 तक पहुंच गया वो लोग शायद, हाँ 2:45 को घर पहुंच गया। और धन्य लोग मुझे तो 5:30 6 बज जाएगा इप्सिस पहुंचना है ना, तो तब तक हमारा मूवी भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया 7 बजे तक है। खुशी पहली बार ऐसे अकेले बैठ रहे हैं, लेकिन उसने बोला जाओ जाकर देख रहा जाओ, वो भी घर में बैठकर कुछ मूवी देख रहे हैं। मूवी देखने के लिए बहुत जुझारू है एकदम, आज मलयालम मूवी है ना, इसलिए बहुत दिनों के बाद में हम लोग साथ में मूवी थिएटर में जाके देखने वाले हैं, इसलिए काफ़ी एक्साइटेड है। देखो सबसे आगे आगे एकदम, ये भी बड़ा नया है, पॉप प्ले रूम्स, एस्केप रूम्स। देखा क्या जबरदस्त, मतलब मैं क्या बोलूं, ऐसा गूज़बम्प, ऐसा लग रहा है मैं कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। मलयालम मूवी इतना ऊंचाई पे आ गया, सीरियसली माय गॉड। चुंगसी को पूछो, चुंगसी भी एकदम, उसमें कुछ कुछ सीन देख रहा है चुंगसी एकदम शॉक हो गया। इट वाज रियली गुड, लाइक वो क्रिटिक काम, लाइक कॉल फाइंड क्रिटिक, ट्रू स्टोरी है, गोट लाइफ, GOAT, गोट लाइफ। आप लोग जरूर 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 वो मूवी देखना, बहुत पसंद आएगा, रियल स्टोरी है, उसका बुक भी है। तो अभी भी है ना, मतलब ऐसा लग रहा है मूवी के अंदर है हम लोग, उतना अच्छा मूवी है। तो मैंने पहले सोचा मूवी देखने के लिए जा रहे ना उतना मैं मेरा वीडियो एंड करूंगी, लेकिन नहीं, मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, आप लोगों को बोलना है ये, आप लोग जाकर ये मूवी देखो, मलयालम मूवी, मतलब हाउ माय गॉड, ये सब मूवी को ऑस्कर मिलना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड पृथ्वीराज, सीरियसली पृथ्वी उसका हीरो है पृथ्वीराज, मतलब उसमें जितने भी लोग है ना सबका एक्टिंग जबरदस्त है, और सिर्फ एक्टर का नहीं है, मतलब जितना पतला हुआ है उसमें एक सीन के लिए, वो सीरियसली उसका पेट, मतलब उसमें एक सीन है पृथ्वीराज, मतलब वो हीरो और गॉड ऐसे उठकर ऐसे आ रहे है, ओ माय गॉड, मतलब गूज़बम्प आएगा वो। And after COVID, he lost the entire weight again. So, coldly gained the weight and then reduced again. So, he had to do it 2 times, which is actually insane. Best movie, आप लोग जरूर जाकर देखना। मेरा ब्लॉग भी मैं इधर एंड कर रहा है। I hope आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी ना, आप लोग जाकर मूवी देखो, बहुत अच्छा मूवी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।